माननीय मंत्री जी, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, किंतु कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आज मनीष जी ने आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रभक्ति से सराबोर बजट का निर्माण किया है और उसमें स्कूलों के अंदर राष्ट्रभक्ति बच्चों के अंदर पैदा हो, देश के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हो, देश से प्यार की भावना बढ़े, बच्चों में समता मैत्री भाईचारे का और न्याय का संचार हो, उसके लिए जो देशभक्ति से सराबोर बजट माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी लेकर आए हैं, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ये ऐतिहासिक बजट है और मैं समझता हूं केवल दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। आने वाले समय में जब सरकारों में चर्चा होगी कि देश का बेहतरीन बजट कौन सा रहा, तो मैं समझता हूं 2021-22 का दिल्ली की विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है उसकी चर्चा जरूर होगी। मुझे याद है जब रामस्वरूप वर्मा जी उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री थे, तो देश का पहला ऐसा बजट था जो कृषि को केंद्रित करके बनाया गया था और वो फायदे का बजट था, वो घाटे का बजट नहीं था। देश में पहली बार ऐसा हुआ था और उसके बाद ये दिल्ली का बजट है जो फायदे का बजट है। इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि इस बजट में जो उन्होंने राष्ट्रभक्ति का जो कुरिकुलम जोड़ा है उसका इतना असर तो निश्चित तौर पर जरूर होगा कि अभी पिछले दिनों एक सप्ताह पहले गुजरात के अंदर एक अनुसूचित जाति के युवा की शादी थी। शादी घोड़े पे निकालने के लिए उसको पुलिस की मदद लेनी पड़ी, कानून का सहारा लेके लड़ना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उस शादी में कई सौ जवान पुलिस के लगे, तब कहीं जाकर घोड़े पर वो बारात निकल पाई। आखिर कैसे भारत का निर्माण हम लोग कर रहे हैं? जो भारत के आज़ादी के मतवाले थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भारत के संविधान निर्माता थे, उन्होंने कौन से भारत का सपना देखा था? शहीद भगत सिंह जो इतनी कम उम्र में जिन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया, अपनी प्राणों की देश के लिए आहुति दे दी। आप कभी उनकी किताबों को पढ़िए, जब वो जेल के अंदर बंद थे तो वो किस तरह के समाजवादी भारत के निर्माण की परिकल्पना करते थे। वो जाति के विरुद्ध और पाखंडवाद के विरुद्ध जो उनकी तीव्र सोच थी, उस सोच के भारत का वो सपना देखते थे। उन्होंने कभी शायद ऐसा नहीं सोचा होगा कि भारत आज़ाद होगा और भारत के अंदर किसी की जाति और धर्म पूछ के उसकी हत्या की जाएगी, ऐसा सपना उन्होंने नहीं देखा था। आजकल कुछ ऐसी देश के अंदर एक ऐसी पार्टी है जो फर्जी राष्ट्रवाद की बात तो करती है लेकिन दिलों में जहर घोलती है, लोगों के सपनों को चकनाचूर करती है, जाति और धर्म की राजनीति करती है। और इस हद तक इस तरह की राजनीति पिछले 6 सालों में 7 सालों में देश में बढ़ी है, जिसमें इस तरह के दृष्टांत देखने को मिलते हैं जहां जाति पूछकर धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं की गई। तो ऐसे भारत का सपना स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं देखा था। मुझे दुख होता है जब मैं एक घटना पढ़ता हूं, महाराष्ट्र पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने बारिश से बचने के लिए हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर वो खड़ा हो गया तो उसको लोगों ने पत्थरों से उस सब इंस्पेक्टर को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो अनुसूचित जाति का था।
तो आज भी इस तरह की अस्पृश्यता जारी है। 20 मार्च 1927 को महार तालाब आंदोलन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया, वो इसलिए किया क्योंकि उन तालाबों में जिनमें जानवर घुसकर मलमूत्र कर सकते थे, उस तालाब को भी कोई शूद्र या अछूत उस पानी को अगर टच कर देता तो इसी बात पे उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो अंग्रेजों से उन्होंने मांग की कि हम तो पहले से ही हजारों साल से गुलाम रहे, आपके आने का हमें क्या फायदा हुआ, आज आपका शासन है तब भी हमारे साथ वही व्यवहार है। तो उनकी आंखें खोलने के लिए और लोगों में समता का व्यवहार हो और आने वाले कानून इस तरीके से बने कि लोगों को समता केवल पेपर पे ना हो बल्कि व्यवहार में समता हो, इसके लिए उन्होंने 20 मार्च 1927 को महार तालाब आंदोलन किया। वो जानते थे कि उस पानी को पी के वो कोई अमर नहीं हो जाएंगे। और दूसरा, 1930 के अंदर उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन किया, मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया। वो इसलिए किया ताकि लोगों को ये एहसास हो कि हम भी इंसान हैं, आपने हजारों साल तक हमें मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया, लेकिन उसमें उनके ऊपर हमला हुआ, उस मंदिर के दरवाजे बंद करके और ऊपर पूरी फोर्स लगवा दी गई, वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया। तो ये जो राष्ट्रभक्ति का जो बजट माननीय उप मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, और मुख्यमंत्री जी का इस बजट को तैयार करने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है, मुझे इसकी जानकारी है। इन दोनों ने मिलकर एक नए भारत के निर्माण की परिकल्पना की है और उसकी शुरुआत दिल्ली से की है, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ताकि लोगों में ये भाव तो पैदा हो, लोगों में ये भाव तो पैदा हो कि हम सब इंसान हैं, इंसान इंसान सब बराबर हैं, किसी को जाति और धर्म के आधार पर उत्पीड़ित करना उचित नहीं है। इससे कभी भारत एक मजबूत भारत, सशक्त भारत नहीं बन सकता। जो एक सशक्त भारत बनने का सपना हम देखते थे, वो सपना उस ऐसे बजट से पूरा नहीं हो सकता जहाँ टोटल बजट का 5-6% केवल एजुकेशन को दिया जाए। जो लोग आज इस बजट की विपक्ष के साथी आलोचना कर रहे हैं, कभी वो इस बजट को विस्तार पूर्वक पढ़ें। उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 24 करोड़ जनसंख्या है और लगभग 5.5 लाख करोड़ बजट है। दिल्ली की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में केवल 10% है, लगभग 2 करोड़ 40 लाख, और वहाँ 5.5 लाख करोड़ के बजट में से एजुकेशन के ऊपर केवल मात्र लगभग 18,100 कुछ करोड़ का बजट रखा गया है, और दिल्ली की जनसंख्या उसका 10% है, 2 करोड़ 40 लाख, जहां टोटल बजट 69,000 करोड़ रखा गया है, और यहां भी एजुकेशन का जो बजट है वो 16,100 कुछ करोड़ है। इससे नीयत का पता चलता है कि ये सरकार है जिसकी नीयत है हम गरीब से गरीब के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां लोग जातिवाद को मानना बंद करें, जाति और धर्म की नफरत को बंद करें। और अगर आप इस बजट को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो ये दिल्ली का बजट है जिसमें हेल्थ के ऊपर 14% का बजट रखा गया है। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, हिमाचल का देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, पूरे देश के अंदर दिल्ली की सरकार पहली सरकार है जिसने हेल्थ के ऊपर 14%, एजुकेशन के ऊपर 24%, ट्रांसपोर्ट के ऊपर 14%, इतना बजट रखकर दिल्ली को दिल्ली के लोगों के सपनों की दिल्ली बनाने के लिए और भारत को गौरवान्वित करने के लिए जो बजट के अंदर प्रोविजन किया है, मैं धन्यवाद करूंगा अपनी सरकार को कि हमने कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, बजट रखा और जो योजनाएं बनाई। आप जैसे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की बात कर सकते हैं, उस योजना के तहत जो बच्चे 12वीं कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जो लॉ करते हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, आजकल एग्जाम ऐसे डिजाइन होता है जो बच्चे कोचिंग करते हैं केवल वो बच्चे उसमें सफल हो सकते हैं। पूरे देश के अंदर ये ऐतिहासिक स्कीम, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने उसके ऊपर 150 करोड़ का बजट देकर दिल्ली के 15,000 बच्चों को और बिना किसी जातिवाद के सभी बच्चों को, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी के EWS के बच्चों को अपने सपनों को साकार करने का जो मौका दिया है,
आज दिल्ली के बच्चे इस योजना का लाभ लेकर जज बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो ये सपना हमने कर दिखाया, लेकिन इसकी जरूरत पूरे देश के बच्चों को है, सभी सरकारों को इसका अनुकरण करना चाहिए। इसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, मनीष जी का, अरविंद जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ एक ऐसा वातावरण है जो उम्मीद से लोग शाम को जब अपने ऑफिस से घर जाते हैं तो टीवी खोल के बैठते हैं कि आज के समाचार सुन लें। लेकिन जब टीवी चैनल पर वो समाचार सुनने के लिए कोई चैनल लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो जो एंकर है उस चैनल पर वो किसी पार्टी का प्रवक्ता है, और विपक्ष के लोगों को ऐसे धमकाता है जैसे कोई गुंडा हो। क्या ऐसे भारत का सपना देखा था? मुझे लगता है इस पे विचार करना चाहिए। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, आज दिल्ली में हम हैं, आज केंद्र में आप हैं, कल को कोई और हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रजातंत्र के गले को घोटने का काम करेंगे, अगर आप देश के मीडिया के मुख को बंद करने का काम करेंगे, आप कहीं ना कहीं भारत की आज़ादी को खतरा पैदा कर रहे हैं। और इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से, जो ये एजुकेशन में जो आप काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, इसमें एक और अध्याय जोड़ दीजिए, जो जब पूरे देश के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसी कौन सी पार्टियां और कौन से संगठन थे जो उस वक्त अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जिन्होंने आज़ादी की आंदोलन में अपनी भूमिका ना निभा के अंग्रेजों का साथ दिया, इसको भी हमें स्कूल के अपने पाठ्यक्रम में लगाना चाहिए। सच सामने आना चाहिए, पता तो लगे देशभक्त कौन है और देश के दुश्मन कौन है। ये नकली राष्ट्रभक्ति से काम चलने वाला नहीं है, आपको सच का सामना करना पड़ेगा। हम लोग अगर भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो सच के साथ आइए। और जाति तोड़ने का आंदोलन आज तक देश के अंदर नहीं हुआ है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, जातियों को खत्म करने का समय आ गया। मुझे जब बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि मैं पांडे जी हूं लेकिन मैं जातिवाद नहीं मानता। आप तो जाति पहले बता रहे हो, जातियों को खत्म करने का समय आ गया है। अगर पूरे दुनिया के अंदर कहीं जातियां नहीं है, केवल भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में जातियां हैं, और इस जाति का दंश हम लोगों ने झेला है। हजारों साल तक हमारे पढ़ने लिखने पर बंदिश लगा के रखी गई, हजारों साल तक हमारे व्यापार करने पर बंदिश लगा के रखी गई, हजारों साल से हम लोग लगातार उत्पीड़न का शिकार है। आज जैसे तैसे भारत के संविधान को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख के सबको जाति धर्म से ऊपर उठ के सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया, पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, नौकरी के रास्ते खोल दिए, लेकिन क्या हुआ? उसके बाद एक ऐसी शिक्षा नीति ले आई गई। मैं धन्यवाद करूंगा मनीष जी का और अरविंद जी का, इन्होंने कम से कम दिल्ली के अंदर तो उस अंधकार के वातावरण में जब पूरे देश के अंदर प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे थे, प्राइवेट कॉलेज खुलते जा रहे थे, गरीबों के सपने खत्म हो रहे थे, गरीबों के बच्चे पब्लिक स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते थे, ऐसे में आशा की कोई किरण अगर पूरे देश के जब अंधकार का वातावरण था, अगर आशा की किरण निकल कर आई तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के रूप में निकल कर आई, जिन्होंने सरकारी स्कूलों के स्तर को इतना बेहतरीन कर दिया कि आज प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटा के सरकारी स्कूलों के अंदर आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय और दीजिए, और आप अगर कहेंगे अभी बंद कर दो तो मैं कर देता हूं। नहीं गौतम जी, मैं अनुशासन को पसंद करता हूं, अगर आप 2 मिनट और दे सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करूंगा मनीष जी का, उन्होंने सोशल सिक्योरिटीज पे काफी ध्यान दिया, और अब हम ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं, हमने दिव्यांगता के लिए एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर दिया है, हम हाई सपोर्ट नीड के लिए हमने एक स्पेशल बजट रखा है, और दिव्यांगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए जिनके अंग कट जाते हैं उनको आर्टिफिशियल अंग देने के लिए एक हमने स्पेशल बजट रखा है। तो अगर आप देखेंगे, और दिल्ली में तमाम तरह के बच्चों के लिए, खासतौर पर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लिए हम लोगों ने 9वीं 10वीं में एक 5,000 रुपया का अलग से वजीफे की स्कीम इस बार हमने पास की है कैबिनेट के अंदर, और 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए 10,000 की हमने स्कीम पास की है। तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, और साथ में क्योंकि बिना अरविंद केजरीवाल जी के विजन के हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, उन्होंने जो विजन दिया उस विजन को लेकर पूरी की पूरी कैबिनेट रात दिन मेहनत कर रही है, इसके लिए मैं पूरे अपनी सरकार को बधाई देता हूं। और अंत में एक निवेदन और करता हूं, और उसे एक उम्मीद भरी नज़रों से मैं देखता हूं, जो अभी हमारे साथी गुप्ता जी बोल रहे थे, गुप्ता जी सच से थोड़ा परे थे, लेकिन ये भी लेकिन सच है कि हमने हायर एजुकेशन के अंदर
बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर लोग आईआईटी के अंदर आते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं, मेडिकल में आते हैं, जहाँ कई कई लाख रुपए एकदम से फीस जमा करनी होती है। और उसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है गरीब बच्चों को आती है, और गरीब किसी एक जाति में नहीं है, किसी एक जाति में ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन हर जाति में हर धर्म में गरीब बच्चे हैं। तब मन दुखता है जब उसका नंबर आ गया आईआईटी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मेडिकल के लिए अंदर, उसको अचानक 2 लाख रुपए जमा करने हैं और 2 लाख का इंतजाम ना हो पाने की वजह से जब उसका एडमिशन कैंसिल होता है तो दिल दुखता है। तो मैं ये उम्मीद जरूर करता हूँ, इस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं, 10 लाख तक का हमने लोन की जो व्यवस्था की है, फिर भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में पैसे के अभाव में कम से कम किसी बच्चे का दाखिला कैंसिल ना हो, चूंकि ये प्रतिभाएं हैं। हम सुना करते थे बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके भविष्य को हम अच्छा बनाएंगे तो देश का भविष्य अच्छा बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी सरकार का धन्यवाद करते हुए, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उपमुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। और आपने मुझे 2 मिनट और दी, इसके लिए आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।